हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शहजाद। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके फेवरेट चैनल में। आज मैंने आप लोगों के लिए लाया है एक नया वीडियो जिसमें मैं अनबॉक्सिंग करूंगा और हम लोग जानेंगे कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो मैं बता दूं, ये ओप्पो का A5s मॉडल है और इसके अंदर क्या क्या है मैं हम लोग जानेंगे, और इसका फ़ोन का बिल्ड क्वालिटी कैसा है, ये फ़ोन दिखने में कैसा है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, इसके अंदर चार्जर है तो कितने एम्पीयर का चार्जर है, और इसके अंदर कंटेंट में क्या क्या है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इसके बॉक्स के ऊपर एक नज़र डालेंगे। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे ऊपर ओप्पो ने अपना ब्रांड नेम मेंशन कर रखा है, ओप्पो। उसके नीचे थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है ओप्पो A5s, ये मॉडल का नाम है। अब इसके थोड़ा सा बैक वाले पैनल पे जाते हैं, तो यहाँ पे ओप्पो ने ओप्पो A5s लिख रखा है। उसके नीचे डिस्प्ले का और जो डिस्प्ले का डायमेंशन मेंशन किया है, तो डिस्प्ले का डायमेंशन देख सकते हैं 15.8 सेंटीमीटर, वाटर ड्रॉप स्क्रीन है ये। और उसके बाद यहाँ राइट साइड में लिखा है बैटरी, 4230 mAh की बैटरी है इसमें। इसके नीचे यहाँ पे आइए तो लिखा हुआ है डुअल रियर कैमरा, मतलब डबल कैमरा का सेटअप इसमें मिलता है बैक में। उसके साथ इसके कैमरे में AI ब्यूटी टेक्नोलॉजी मिल रहा है जो कि 2.0 है। अब यहाँ पे उसके नीचे आते हैं, देख रहे होंगे आप, दिख पा, हाँ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ओप्पो ने इस मॉडल का नंबर रखा है CPH 1909। उसके बाद यहाँ उसके नीचे कलर मेंशन किया है, ब्लू है ये कलर। इसके अंदर बहुत सारे कलर आते हैं, दो तीन कलर। उसके नीचे IMEI नंबर लिखा है। अब यहाँ पर देखिए रैम और रोम मेंशन किया है। तो इसमें दो वेरिएंट, तीन वेरिएंट है, एक 2 GB 32 GB, 3 GB 64 GB और एक 4 GB, 3 GB 32 GB, एक 4 GB 64 GB। तो मेरे पास जो है अभी वो 2 GB 32 GB का वेरियंट है। यहाँ पर कंपनी ने देखिए डेट मैंशन कर रखा है, ये देखिए 7/20/2019, ये मतलब कि ये मैन्युफैक्चर डेट है। उसके बाद यहाँ पे आइए तो आपको वो सीरियल नंबर मिल जाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे मिल रही है आपको डिजाइनेड बाय ओप्पो, मेड इन इंडिया। उसके बाद यहाँ पे मिल रहा है आपको चार्जर का, चार्जर देखिए इसमें 5V 2A का चार्जर है। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं, LTE FTD ये सब। और इधर देखिए, इधर लिखा हुआ है ओप्पो टीम इंडिया क्रिकेट टीम स्पॉन्सर, पहले था। अब यहाँ पे मैं दिखा दूँ एक बार इसके नीचे वाले पैनल पे कि कैमरा यहाँ पे मेंशन किया गया है, रियर कैमरा 13 MP +2 MP, फ्रंट 8 MP। स्क्रीन साइज है 15.8 सेंटीमीटर यानी कि 6.22 इंच। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है बेथ डायमेंशन, तो ये है 170 ग्राम प्लस 15.59 × 7.54 × 0.82 सेंटीमीटर। इससे नीचे मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि MRP मेंशन किया गया है, जिसमें ये है मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसमें बताया आपको दिख रहा होगा, ये 12,990 रुपया MRP है इसका। उसके नीचे यहाँ पे नेट कंटेंट है, इसके अंदर वन हैंडसेट, वन चार्जर, वन USB डाटा केबल, वन सिम निकालने वाला इजेक्टर टूल, यहाँ पे है वन सेफ्टी गाइड, वन क्विक गाइड, वन प्रोटेक्टिव केस। और उसके नीचे कंपनी ने अपना कस्टमर केयर का नंबर, मैन्युफैक्चर वाई लिखा हुआ है, और मैन्युफैक्चर फोर लिखा हुआ है, यहाँ पे बारकोड दिया हुआ है, और ये कब का बना हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए इसको अनबॉक्स, तो चलिए इसको हम लोग अनबॉक्स करते हैं। ये हम लोग ने अनबॉक्स कर दिया है। इसके अंदर आपको मिल रहा है बैक कवर जो कि काफ़ी
हैवी क्वालिटी का लगता है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद इसमें आपको मिलता है यूजर गाइड, वारंटी कार्ड, इसमें आपको मिल रहा है सिम निकालने वाला टूल, फोन को रखते हैं साइड में, पहले देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ है। इसके अंदर तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक चार्जर है जिसको आप देख सकते हैं। ये आपको है आउटपुट 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का आउटपुट है, तो चार्जर है तो मतलब कि ऑलमोस्ट ठीक ही है, ये अच्छा चार्ज करेगा। इसके बाद चार्जर के ऊपर देख सकते हैं जो ओप्पो ने अपना ब्रांड मेंशन किया है ओप्पो, और ये यूएसबी केबल कनेक्टर इसके साथ आपको मिल रहा है जो माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पिन है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर तो और कुछ नहीं है डब्बे के अंदर, चलिए अब फोन पे एक नजर डालते हैं। वाह, फोन तो काफी खूबसूरत है भाइयों, देख सकते हैं आप लोग फोन का ये जो देख रहे हैं ना, ये जो कलर लेटेस्ट कलर निकाला है ना ओप्पो ने, ये काफ़ी खूबसूरत है। मतलब कि इस प्राइस रेंज में मतलब कि बहुत ही खूबसूरत प्रीमियम सेट देखने को मिल रहा है आपको मात्र 8,990 रुपये में। ये देख रहे हैं ना आप लोग, कलर भी काफ़ी खूबसूरत है। और इसको स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, जब तक स्टार्ट होता है तब तक मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। उसके बैक पैनल पे तो आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत है, प्लस इसका जो ये थिकनेस जो दे रखा है ना, देखिए 0.64 mm, ये जो थिकनेस है ना ये बहुत ही मतलब कि स्लिम देखने में लग रहा है, प्लस हैंड ग्रिप भी काफ़ी अच्छा बन रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ये ऑन हो चुका है और ये काफ़ी खूबसूरत सेट लग रहा है, इसका डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसके इसके बारे में, सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले ये बात करते हैं इसकी बॉडी के बारे में, तो इसका बॉडी जो देख रहे हैं आप बहुत ही खूबसूरत है। इसका आपको डायमेंशन मिल जाता है 155.9 × 75.4 × 8.2 mm का, अब देख सक रहे हैं, देख रहे हैं। डुअल सिम का है और प्लस डबल 4G वोल्टी भी है, आपको दो सिम लगाने के बाद मेमोरी कार्ड भी लग जाता है, ट्रिपल स्लॉट है। उसके बाद बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, इसमें आपको डिस्प्ले मिल रहा है IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन, और जिसका कलर है 16M। साइज आपको मिल जा रहा है, इसका साइज आपको मिल जा रहा है 66.2 inches, मतलब कि ये आपको 6.2 इंच का डिस्प्ले मिल जा रहा है, और जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 81.6%। इसका रेजुलेशन आपको बात करें रेजुलेशन की, तो इसका रेजुलेशन आपको मिल रहा है 720 × 1520 पिक्सल। उसके बाद आपको एस्पेक्ट रेशियो इसका मिल जा रहा है 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो भी मिल जा रहा है, तो डिस्प्ले काफ़ी मतलब कि खूबसूरत है और हैंडी भी है आपको, और डिस्प्ले बड़ा भी है आपको, मतलब कि बड़ा है लेकिन आपको पकड़ने में लग नहीं रहा कि ये बड़ा है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने कितना अच्छा से इसको पकड़ा हुआ है। उसके साथ साथ इसमें आपको मिलता है प्रोटेक्शन के लिए एक गॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3rd, उसके बाद बात करते हैं इसकी कैमरे की, तो इसमें आपको मेन कैमरा मिल रहा है, आपको इसमें मेन कैमरा मिल जा रहा है 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, और जो 13 मेगापिक्सल है उसका अपर्चर आपको मिल रहा है 2.2 f, और
जो 2 मेगापिक्सल है डेप्थ सेंसर, उसका अपर्चर आपको मिल रहा है 2.4। उसके साथ साथ यहाँ पे देख रहे होंगे आप एलईडी फ्लैश लाइट भी दे रखा है कंपनी ने, ये देखिए। और इसके कैमरे में बहुत सारे मोड है, मैं आगे स्पेसिफिकेशन जब इसका बताऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। अब तो हम लोग सिर्फ इसको अनबॉक्सिंग करके जान रहे हैं ये फ़ोन कैसा है, इसके अंदर क्या क्या था। उसके बाद बात करते हैं इसकी फ्रंट कैमरे भी, तो इसमें आपको मिल रहा है सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर 2.0 है। तो भाई इसका सेल्फी कैमरा काफ़ी खूबसूरत है होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, अब इसका बॉडी देख रहे हैं ऊपर की ओर तो कुछ नहीं है, कोई भी सेंसर नहीं लगा हुआ है। राइट साइड में इसका आपको मिल जा रहा है पावर की, ये देखिए ये पावर की मिल जा रहा है। और उसके नीचे आए तो यहाँ पे सबसे नीचे में राइट साइड में आपको मिल रहा है 3.5 mm का ऑडियो जैक। उसके बाद यहाँ पे मिल जा रहा है आपको माइक, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक है। उसके बाद माइक्रो यूएसबी चार्जिंग का सपोर्ट, यहाँ पे पिन मिल जा रहा है माइक्रो यूएसबी चार्जिंग। उसके बाद लेफ्ट साइड में देखो तो यहाँ पे आउटपुट स्पीकर मिल रहा है, और इसका स्पीकर काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद लेफ्ट साइड में बात करें तो यहाँ पे मिल रहा है वॉल्यूम डाउन की, वॉल्यूम अप की। उसे ठीक ऊपर देख रहे हैं आप लोग, इसके ऊपर मिल रहा है आपको सिम स्लॉट, और ये ट्रिपल स्लॉट है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको एक बार खोल के सिम स्लॉट को, पिन कहाँ गया यहाँ। ये आप लोग देख सकते हैं ये ट्रिपल स्लॉट है, मतलब कि 2 सिम लगाने के बाद मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फैसिलिटी आपको दे रखा है। चलिए इसको लॉक कर देते हैं। और बैग में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट भी मिल जा रहा है। और प्लस ये देख रहे हैं अब जो प्रीमियम कलर जो देख रहे हैं, ये डिज़ाइन ये काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। ये हमको याद है कि ओप्पो ने लाया था ओप्पो F9 Pro में ऐसा, मतलब कि ये फॉर्मेट डिज़ाइन का, ये फॉर्मेट ओप्पो F9 Pro में लाया था, जो कि आपको 23-24 हज़ार का फ़ोन था। वो ये आपको ओप्पो ने 9 हज़ार के रेंज में दे रखा है। तो आप लोगों ने देख लिया इसके अंदर क्या क्या था, किसका इसके अंदर क्या क्या नहीं था। ईयरफोन इसके अंदर नहीं है, क्योंकि इस ऐसे में सारी कंपनियों ने ईयरफोन बंद कर रखा, तो ईयरफोन उतना मैटर नहीं करता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कुछ भी आपको पूछना हो या कुछ भी क्वेश्चन हो या फिर कुछ भी आपको सजेस्ट करना हो अपने छोटे भाई को, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कमेंट। आप वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का साथ इसी तरह से बना रहेगा, हम आप लोगों को लिए डेली न्यू न्यू वीडियो लाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। हर नया मॉडल अगर आएगा आपको तो उसको हम अपग्रेड करते रहेंगे यूट्यूब पे। और आप लोगों के साथ देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।